अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब बाजार। दोस्तों नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जापान के प्री वर्क वीज़ा के बारे में, जो कि जापान गवर्नमेंट जो है ये 3 साल के प्री वर्क वीज़ा दे रही है टेक्निकल इंट्रेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू, TITP प्रोग्राम जो है उसके थ्रू। पाकिस्तान की यूथ के लिए 3 साल के प्री वर्क वीज़ा हैं, जिसमें आप लोग पूरे पाकिस्तान से मेल्स और फीमेल्स ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू ये प्रोसेस होगा। तो आपको इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल से बताएंगे आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और इसका जो मुकम्मल प्रोसेस है वो आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, उसको स्किप नहीं करना है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं। IDs के लिंक आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं, और आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल जॉब बाजार सब्सक्राइब करें, और उसके बाद बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जॉब इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों डायरेक्टली चलते हैं वेबसाइट पे और आपको बताते हैं इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन। आपने आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है जॉब बाजार 22, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इस पहले लिंक को जहाँ पे 22 लिखा हुआ है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। दोस्तों हम इस पे पहले एक कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे चैनल पे यहाँ पे ये वीडियो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपको जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है क्राइटेरिया यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में जस्ट आपको बताएंगे कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने कहा था कि इसमें अप्लाई करने का जो मेथड है वो बता दें। तो जब आप पहले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे जॉब एडमिशन, प्राइवेट जॉब, स्कॉलरशिप और इंटरनेशनल जॉब्स के लर्स मिलते रहते हैं। तो आप इस ब्लू कलर के फॉलो बटन को प्रेस कर लें, या आप सेलेक्ट करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी न्यू अपडेट हो आपके पास को नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अब आपने आ जाना है इस तरह थोड़े से नीचे, यहाँ पे आपने टेक्निकल इंट्रेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो पोस्ट है ये ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने फॉर डिटेल एंड अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। ये न्यू टेक जो यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में, उसके थ्रू इसकी रजिस्ट्रेशन जारी है। इससे पहले जो ये जो यूनिवर्सिटी है ये जर्मनी के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लॉन्च कर चुकी है, उस पर भी हम कम्प्लीट में वीडियो बना चुके हैं, यहाँ पे आप हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो ये भी वीडियो आपने लाजमी देखनी है अगर आपने नहीं देखी अभी तक। तो यहाँ पे आपने इसकी सबसे पहले जो डिटेल है वो आपसे शेयर करते हैं। तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपने इसको रीड कर लेना है कि ये जो प्रोग्राम है ये जापान गवर्नमेंट जो है ये बैकवर्ड कंट्रीज़ के लिए ये लॉन्च करती है, और फर्स्ट टाइम जो है ये इसने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया है, पाकिस्तान की यूथ को, कि वो 3 साल के लिए वर्क वीज़ा पे जापान में काम कर सकते हैं इंटर्नशिप पे। तो यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स पे आपने सबसे पहले क्लिक करना है, और कैटेगरीज देखनी है यहाँ पे कि कौन सी कैटेगरीज़ में इंटर्नशिप ओपन है। यहाँ पे आपने इनको रीड कर लेना है तमाम कैटेगरीज़ को, और उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन क्राइटेरिया कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे जो कैटेगरीज़ आपको यहाँ पे पीछे बताई हैं उनमें से किसी एक भी कैटेगरी में आपके पास 6 माह का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या कोर्स हो, अगर आपके पास कोर्स नहीं है तो फिर 1 साल का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए किसी एक भी फील्ड में, और आपकी कम से कम एज 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक होनी चाहिए, और फिज़िकली आप बिल्कुल फिट होने चाहिए। अप्लाई आपने यहाँ पे ऑनलाइन करना है, ये भी आपको यहाँ पे बता देते हैं कैसे आपने करना है। तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक करना है, उसके बाद TITP ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं आपने कैसे फिल करना है, फिर आपको बताएंगे इसका मुकम्मल प्रोसेस। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पे आप जो आपको यहाँ पे ब्लैंक फ़ोटो नज़र आ रहा है यहाँ पे आपने फ़ोटो पे क्लिक करना है। तो आपके जो मोबाइल है या गैलरी है वहाँ पे ही आपको ले जाएगा। आपने यहाँ पे फ़ोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, आपका यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जो नाम है वो यहाँ पे लिखना है, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे लिखनी है अपनी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। सबसे पहले आपने यहाँ पे मंथ, उसके बाद डेट लिखनी है, और यहाँ पे आपने ईयर लिखना है। सबसे पहले मंथ लिखना है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले आपने मंथ, उसके बाद डेट, और उसके बाद आपने यहाँ पे जो आपका है ईयर वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने ईमेल आईडी जो है वो आपने यहाँ पे लिखनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे ब्लड ग्रुप जो है वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अपने यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर आपने यहाँ पे लिखना है।
उसके बाद आपने यहाँ पे पासपोर्ट नंबर अगर है, अगर नहीं बना हुआ तो इफ़ एप्लीकेबल, अगर इसका मतलब ये है अगर आपके पास बना हुआ है पासपोर्ट तो आपको बनवाना पड़ेगा, अगर अभी है आपके पास तो यहाँ पे इसको एंटर कर दें। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, पासपोर्ट साइज़ इसको अगर है तो छोड़ दें, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अपना यहाँ पे एड्रेस लिखना है, सिटी लिखना है, प्रोविंस अपना जो सूबा है वो यहाँ पे लिखना है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिखना है, पोस्टल कोड आपने यहाँ पे लिखना है, आपके डाकखाने का पोस्ट ऑफिस का जो पोस्टल कोड है वो यहाँ पे लिखना है। अगर आपको नहीं पता तो अपने करीबी पोस्ट ऑफिस से ये पता करना है, अगर आप वहाँ से पता नहीं कर सकते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ पोस्टल सर्विस जो है पाक पोस्ट की वेबसाइट से आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेशनलिटी आपने यहाँ पे अपनी लिखनी है, पाकिस्तानी मज़हब सेलेक्ट करना है, अपने फादर का नाम लिखना है, फादर का CNAC नंबर यहाँ पे लिखना है, अपने स्टेटस लिखना है, सिंगल है, मैरिड है, जो भी हैं वो यहाँ पे लिखें, और अगर मैरिड है तो अपने जो वाइफ है उसका यहाँ पे, या अगर आप फीमेल हैं तो अपने हस्बैंड का CNAC नंबर जो है वो यहाँ पे लिखना है, जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मेल या फीमेल, अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है, जो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, प्राइमरी है, मिडिल है, मैट्रिक, जो भी आपकी यहाँ पे है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद जिस आप यहाँ पे फील्ड में इंटर्नशिप करना चाहते हैं उस फील्ड को यहाँ पे जस्ट उस पर क्लिक करना है, आपकी फील्ड जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर एक से ज़्यादा में करना चाहते हैं तो आपने कंट्रोल प्लस प्रेस करते रहना है, तो आप एक से ज़्यादा जो है वो उस फील्ड को सिलेक्ट कर सकेंगे। उसके बाद टेक्निकल स्किल्स, जिस जो आपने यहाँ पे डिप्लोमा किया हुआ है उसकी डिटेल आपने यहाँ पे देनी है, नेम ऑफ कोर्स, कौन से इंस्टीट्यूट से किया हुआ है, ड्यूरेशन कितनी है, कितनी परसेंटेज है। अगर आपके यहाँ पे और भी कोई डिप्लोमा कोर्सेज है, आपने यहाँ पे ऐड मोर टेक्निकल स्किल्स यहाँ पे करेंगे तो कॉलम ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपने इसको फिल करना है। अगर आपके पास यहाँ पे कोई कोर्स नहीं है तो आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखना है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में, कौन से अहदे पे, डेजिग्नेशन अहदा होता है, कौन सी सीट पे आपने काम किया है, कौन सी डेट को लेकर कहाँ तक आपने किया है, जॉब प्रोफाइल, सैलरी, पार्ट टाइम या फुल टाइम जो भी थी आपने यहाँ पे वो लिखनी है। और उसके बाद आप यहाँ पे अगर कोई और भी एक्सपीरियंस है वो आपने यहाँ पे इंटर करते जाना है। उसके बाद एक्सपीरियंस इन अब्रॉड, मतलब आपके पास किसी और कंट्री का एक्सपीरियंस है तो वो आपने यहाँ पे लिखनी है, कौन सी कंट्री में आपने क्या काम किया है वो सारा आपने यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद फिज़िकल डिटेल देनी है, अपनी हाइट जो है सेंटीमीटर्स भी आपने यहाँ पे लिखनी है, कितने सेंटीमीटर्स आपकी हाइट है। उसके बाद अपना यहाँ पे वेट लिखना है, डिसेबिलिटी अगर कोई है, माजूरी कोई है आपकी आपकी बॉडी में वो यहाँ पे लिखनी है, और क्रॉनिक डिजीज़ कोई बीमारी मतलब अंदरूनी कोई है तो वो यहाँ पे लिखें, और मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो आपके आईडी कार्ड पे आपका जो शनाख्ती निशान लिखा होता है वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है कि आपको इंग्लिश जो है ये आप रीड कर सकते हैं, कितने परसेंट फेयर मतलब गुजारे की हम रीड कर सकते हैं, और गुड मतलब अच्छी, और एक्सीलेंट मतलब बहुत ही अच्छी, जो आपकी यहाँ पे है उसको बॉक्स को यहाँ पे आपने टिक करना है, और लिख सकते हैं तो वो भी आप यहाँ पे लिखें, स्पीक मतलब है बोल सकते हैं तो वो भी यहाँ पे आपने आपने यहाँ पे लिख लेनी है, अगर नहीं है तो इसको छोड़ दें। उर्दू आपको कितनी आती है, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ये स्पीक आपको बोलना आती है, तो जिस लेवल की आपकी है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। जापानीज़ अगर है तो ठीक है ना, इसको छोड़ दें। उसके अलावा और कोई आपको ज़ुबान आती है इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में से तो आपने यहाँ पे लिखनी है, तो यहाँ पे आपने लिखना है हाउ यू गॉट टू नो अबाउट द प्रोग्राम, ये कह रहे हैं आपने हमारे बारे में कहाँ पे सुना, तो आपने यहाँ पे लिखना है ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट आपने यहाँ पे लिखना है, और विदर एनी क्रिमिनल केस, कोई आपका केस कोई कोर्ट में चल रहा है वो आपने यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद आई हेयर बाय के बॉक्स पे आपने यहाँ पे ये इस पर टिक करना है, अभी आप इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पे मार्क बन जाएगा, तो यहाँ पे आपने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ रह गया, यहाँ पे नो आपने लिखना है, डिसेबिलिटी पे नो लिख देना है यहाँ पे, उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट करना है। और यहाँ पे जापानीज़ के जो ऑप्शन है उसके बाद आपने यहाँ पे इन जो ऑप्शन है लैंग्वेजेस के इनको सही तरह से आपने टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पे आ जाएगा सबमिटेड सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पे आपका अप्लाई हो जाएगा, आपने फिर यहाँ पे आ जाना है बैक, और यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जो CNAC नंबर है, आईडी कार्ड नंबर, वो आपने यहाँ पे लिखना है, और चेक के बटन पे आपने क्लिक करना है, तो आपके सामने जो आपकी एप्लीकेशन का यहाँ पे आ जाएगा जो भी यहाँ पे स्टेटस है वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि आपने कौन से प्रोग्राम में अप्लाई किया है,
और यहाँ पे डेट कौन सी थी, किस डेट को आपने अप्लाई किया है, आपका CNIC नंबर, आपका नाम और स्टेटस पेंडिंग। यहाँ पे अभी पेंडिंग आ रहा है, आपने यहाँ पे चेक करते रहना है डे बाई डे। यहाँ पे जब आपकी प्रूव हो जाए तो आप ऐसे समझेंगे कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो गई है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो है ये आपने यहाँ पे इसको रीड करना है। यहाँ पे आप देख सकेंगे कि किस तरह इसमें लोग सिलेक्ट होते हैं, इनका प्रोसेस क्या है। आपका सबसे पहले जो स्किल टेस्ट है, इंटरव्यू, वो होगा आपका। उसके बाद आपका यहाँ पे कॉल लेटर और मेडिकल, आपका यहाँ पे सब कुछ होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपकी यहाँ पे लगेगी। उसके बाद आपको 15 डेज़ की जो ट्रेनिंग है जापानी लैंग्वेज और कल्चर की, वो आपको यहाँ पे दी जाएगी। 5 दिन की आपको जो ट्रेनिंग है, वो जो आपका काम वहाँ पे करना होगा उसके और रूल्स एंड रेगुलेशन की यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए होंगे अपने CNIC, जो भी आपका है, उसकी वेरिफिकेशन होगी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रियल हैं या कोई फेक तो नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद फिर आपकी वीज़ा का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। तो इस तरह आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।